Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Janagar Madam. This is Janagar Madam and you're watching on Janagar Madam. How are you guys doing? I hope you all guys are doing absolutely fit and fine. In today's video, I'm gonna teach you advanced English structure. And today's day 16, advanced English structure. Yadi guys, आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर D1 से लेके 15 तक का वीडियो को वॉच नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर के आप वॉच कर सकते हैं। गाइस, यदि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इंग्लिश में बोलना सीखना चाहते हैं, तो आज का जो ये वीडियो है बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज का जो मैं सेंटेंस लेकर के आई हूँ बहुत ही आम बोलचाल की वाक्य है, सेंटेंसेस है जो कि आप अपने डेली कन्वर्सेशन में, डेली लाइफ में आप इन सारे सेंटेंसेस को बोलते भी है और बोलते भी होंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज, यू हैव टू स्टे इन दिस वीडियो टिल द एंड, सो दैट विल लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार सेंटेंस को देख लेते हैं जिस सेंटेंस को हम लोग अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ज्यादा नहीं है, 9 सेंटेंसेस है, तो एक बार उसको देख लेते हैं और मैं स्ट्रक्चर के माध्यम से सिखा रही हूँ। और आज का जो सेंटेंसेस है बहुत ही इजी है, आप एक बार में समझ जाएंगे। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जब बोलनी हो हमें समझाना बंद करो, यहां खेलना बंद करो, मुझे घूरना बंद करो, टीवी देखना बंद करो, मुझे मारना बंद करो, मोबाइल देखना बंद करो, पढ़ाई करना बंद करो, हमें बताना बंद करो, उसे बुलाना बंद करो। तो गाइज, इन सारे सेंटेंस को अभी आप सुने हैं तो इन सारे सेंटेंस में आप एक चीज जरूर नोटिस किए होंगे, एक चीज कॉमन चीज आया हुआ है, बंद करो, बंद करो। इस सेंटेंस के अंत में क्या है कॉमन आया हुआ है, बंद करो। तो बंद करो को आप इस सेंटेंस में आप कैसे बोलेंगे, बहुत ही इजी है। तो चलिए इसको स्ट्रक्चर में रख के देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो स्ट्रक्चर को समझनी है। जब आप स्ट्रक्चर को आप अच्छे से समझ लेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, तो आप सारे सेंटेंस को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, कर लेंगे। तो बंद करो के लिए हम यूज करेंगे स्टॉप। क्या यूज करेंगे, स्टॉप, स्टॉप। बंद करो के लिए क्या यूज करेंगे, स्टॉप। आपको वीडियो को स्किप नहीं करनी है, आपको पहले स्ट्रक्चर को समझनी है। जब आप एक बार में स्ट्रक्चर समझ जाएंगे तो आप सारे सेंटेंस को आप खुद सॉल्व कर लोगे, दैट आई एम श्योर गाइस। तो सबसे पहले आप अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले बंद करो की इंग्लिश लेनी है स्टॉप, ओके। देन उसके बाद प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म की यूज करनी है, जो वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है उसमें आपको आईएनजी लगानी है, ओके। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगानी है, आईएनजी। तो आईएनजी लगा करके क्या बनाई जाती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ओके। देन उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। पहले आपको स्टॉप बोलनी है, देन उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो स्टॉप मीन्स क्या होती है, बंद करो। बंद करो के लिए आप क्या यूज करेंगे, स्टॉप। इस चीज को माइंड में रखिएगा। तो पहले आपको बंद करो की इंग्लिश लेनी है, तो क्या हो जाएगी, स्टॉप, स्टॉप। एंड उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है, समझाना। क्या है, समझाना। तो समझाना की इंग्लिश क्या होती है, अंडरस्टैंड। तो अंडरस्टैंड में आप क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे, तो क्या बन जाएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अंडरस्टैंड, और इसमें क्या लगानी है, आईएनजी। तो क्या बन जाएगी, वर्ब के
फोर्थ फॉर्म, ओके। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमें, तो हमें इंग्लिश अस, और लास्ट में फुल स्टॉप, स्टॉप अंडरस्टैंडिंग अस, स्टॉप अंडरस्टैंडिंग अस, मतलब हमें समझाना बंद करो। तो गाइस आपको इस स्ट्रक्चर को याद रखनी है, आपको जब भी इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलनी हो, आप जब भी थोड़ी ना बोलते हैं, आप तो रोज बोलते हैं इस तरीके के सेंटेंसेस को। तो गाइस आपको जब भी इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलनी हो तो आप पहले स्टॉप का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रहेगा तो देना है, नहीं रहेगा तो नहीं देना है, ठीक है। बट ये आपको स्टॉप से शुरू करनी है, ओके। आई होप कि गाइस अभी तक मैं जो समझाई हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको सिर्फ क्या करनी है, स्ट्रक्चर को याद रखनी है, ठीक है। पहले स्टॉप लगाएंगे, फिर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रहेगा तो देना है, नहीं रहेगा तो नहीं देना है। सेकेंड सेंटेंस है, यहां खेलना बंद करो। तो सबसे पहले क्या लेनी है, स्टॉप, बंद करो की इंग्लिश लेनी है, तो क्या हो जाएगी स्टॉप। उसके बाद क्या है वर्ब, खेलना, तो खेलना की इंग्लिश प्ले, तो प्ले की फोर्थ फॉर्म जो बनाएगी तो क्या हो जाएगी प्लेइंग। स्टॉप प्लेइंग एंड ऑब्जेक्ट क्या है यहां, तो यहां की इंग्लिश हियर। स्टॉप प्लेइंग हियर, स्टॉप प्लेइंग हियर। तो गाइज मैं एक सेंटेंस को दो बार बोल रही हूं, तो फर्स्ट टाइम आपको लिसन करना है, सेकेंड टाइम में मेरे साथ साथ बोल बोलकर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपकी इंग्लिश उतनी ही जल्दी इंप्रूव भी होगी। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, यदि आप मेरे साथ एंड तक बने रहते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होती है, मैं खुश भी बहुत होती हूँ, ओके। क्योंकि आप लोग ही मेरी क्या है, ताकत है, एनर्जी है, आप लोगों से मुझे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है जब जब आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं। तो बने रहिए और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए, ओके। मुझे घूरना बंद करो। एंड गाइस आपको वीडियो को स्किप नहीं करनी है, क्योंकि हिंदी के ऐसे बहुत से शब्द होते हैं, वर्ब होते हैं, क्रिया होते हैं, जिनकी इंग्लिश हमें मालूम नहीं होती है, इसलिए आपको बने रहना है। जैसे यहाँ पे घूरना, तो घूरना की इंग्लिश क्या होती है, तो चलिए बने रहिएगा तो ही मालूम होगी, तो बने रहिए। तो पहले क्या यूज करनी है, स्टॉप एंड उसके बाद घूरना क्या है, वर्ब क्रिया है, तो क्या हो जाएगी स्टेयरिंग। स्टेयरिंग मीन्स घूरना, ओके। ऐसे स्टेयर मीन्स घूरना होता है, क्योंकि इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म में बनानी है कि नहीं, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर क्या है, स्टॉप प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो स्टेयर मीन्स घूरना होता है। स्टेयर मीन्स क्या होती है, घूरना, एंड इसमें आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनानी है तो आईएनजी लगाया है, तो क्या बन गई स्टेयरिंग। एंड उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, मुझे, तो मुझे की इंग्लिश क्या हो जाएगी मी, तो इसमें आपको एट मी लगानी है, एट मी, ओके। मुझे के लिए आप क्या यूज करेंगे, एट मी। स्टॉप स्टेयरिंग एट मी, स्टॉप स्टेयरिंग एट मी। टीवी देखना बंद करो, तो क्या हो जाएगी स्टॉप। क्या है देखना, वॉचिंग, वॉचिंग एंड ऑब्जेक्ट क्या है टीवी। स्टॉप वॉचिंग टीवी, स्टॉप वॉचिंग टीवी। मुझे मारना बंद करो, तो क्या हो जाएगी स्टॉप मारना। इंग्लिश क्या होती है हीट, हीट मीन्स मारना, तो क्या हो जाएगी हीटिंग, स्टॉप हीटिंग
स्टॉप हीटिंग एंड क्या है ऑब्जेक्ट मुझे तो क्या हो जाएगी मी स्टॉप हीटिंग मी स्टॉप हीटिंग मी मोबाइल देखना बंद करो तो क्या हो जाएगी स्टॉप एंड वर्ब क्या है देखना तो क्या हो जाएगी वॉचिंग वॉचिंग क्या है ऑब्जेक्ट मोबाइल मोबाइल स्टॉप वॉचिंग मोबाइल स्टॉप वॉचिंग मोबाइल आप इसको अलग तरीका से भी बोल सकते हैं जैसे स्टॉप लुकिंग एट मोबाइल स्टॉप लुकिंग एट मोबाइल तो गाइस आपको जो इजी लगे वो आप बोल सकते हैं ठीक है आप इस तरीका से भी बोल सकते हैं और इस तरीका से भी बोल सकते हैं आपको जो इजी लगे आपको जो अच्छा लगे वो आप बोल सकते हैं ओके पढ़ाई करना बंद करो तो क्या हो जाएगी बंद करो कि इंग्लिश लेनी है स्टॉप ओके उसके बाद क्या है पढ़ाई करना तो क्या हो जाएगी स्टडिंग क्या हो जाएगी स्टडिंग स्टडिंग स्टॉप स्टडिंग ओके इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है ओके यदि ऑब्जेक्ट दिया हो रहता तो यहाँ पे आ जाता ये तो आप भी जानते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे सीधा क्या है पढ़ाई करना बंद करो स्टॉप स्टडिंग स्टॉप स्टडिंग हमें बताना बंद करो तो क्या हो जाएगी बंद करो की इंग्लिश लेनी है स्टॉप उसके बाद वर्ब क्या है बताना तो बताना की इंग्लिश टेल तो क्या हो जाएगी टेलिंग क्योंकि फोर्थ फॉर्म बनानी है ना स्टॉप टेलिंग हमें तो हमें की इंग्लिश अस स्टॉप टेलिंग अस स्टॉप टेलिंग अस मतलब हमें बताना बंद करो उसे बुलाना बंद करो तो क्या हो जाएगी बंद करो की इंग्लिश लेनी है स्टॉप बुलाना की इंग्लिश क्या होती है कॉलिंग कॉल मींस बुलाना तो इसमें आपको क्या करनी है वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनानी है आईएनजी लगा करके तो कॉल आईएनजी लगाएंगे कॉलिंग हो गया स्टॉप कॉलिंग उसे हिम स्टॉप कॉलिंग हिम स्टॉप कॉलिंग हिम यदि लड़की होगी तो आप हर का यूज करेंगे क्या चीज का हर का यूज करेंगे स्टॉप कॉलिंग हर स्टॉप कॉलिंग हर गाइज नाउ योर टर्न अब आपकी बारी है क्योंकि मैं आपको दो होमवर्क दे रही हूं ना तो इस इन दोनों सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करनी है तो पहला सेंटेंस है चिल्लाना बंद करो चिल्लाना बंद करो उसे रुलाना बंद करो उसे रुलाना बंद करो दीज टू सेंटेंसेस आर फॉर यू गाइस तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी यदि अच्छी लगी हो कुछ सीखने को मिली हो आप कुछ इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखे हैं तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड लोग भी सीख पाए एंड यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक भी कर दीजिएगा साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टेक केयर हैव अ नाइस डे